हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज का फंडा है न्यू हाइपर ओएस 2.0 लॉक स्क्रीन ऑन हाइपर ओएस 1 डिवाइसेस विदाउट एनी ऐप इंस्टॉलेशन। फिर चाहे आपका डिवाइस हाइपर ओएस 1 विद एंड्रॉइड 13 हो या फिर हाइपर ओएस 1 विद एंड्रॉइड 14, ये सभी पे काम करेगा, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करें इस न्यू हाइपरओएस 2.0 लॉक स्क्रीन लेआउट की, जिसे हम आज अपने हाइपरओएस 1 डिवाइसेस पे अप्लाई करने वाले हैं, तो वो कुछ ऐसी लेआउट में देखने को मिलेंगी, जिसे आप मेरे फोन पे देख सकते हैं, जो कि कस्टमाइज किया हुआ है। तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और कहाँ से इसे डाउनलोड करना है और इस इफेक्ट को जो आपने स्टार्टिंग पे देखा उसे कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, ये जो थीम है हाइपरओएस 2.0 लॉक स्क्रीन वाली, ये फिलहाल हाइपरओएस 2.0 डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल है, जिसे के थीम स्टोर पे देखने को नहीं मिलती है। अगर हम वहाँ पे सर्च करें तो उसके लिए हमें अपने फोन के ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है न्यू वर्ल्ड बीडी, फिर इस वाली लिंक यानी के सेकंड लिंक पे टैप करनी है, उसके बाद नीचे की ओर आना है और यहाँ पे जो ऑफिशियल थीम स्टोर की लिंक है उस पे टैप करनी है, तो ये डायरेक्टली थीम स्टोर पे ले जाएगा। फिर इसे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद वापिस आना है और कस्टमाइज थीम पे चले जाना है, फिर इसे एज अ लॉक स्क्रीन अप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे कि यह लॉक स्क्रीन अपने फोन पे अप्लाई हो चुकी है, बट जो स्टार्टिंग में आपने लेआउट देखा उसे अप्लाई करने के लिए हमें फिर से जाना है अपने थीम स्टोर पे, फिर कस्टमाइज थीम, फिर लॉक स्टाइल, उसके बाद नीचे जो कस्टमाइज का आइकन है उसे टैप करना है, उसके बाद सबसे पहले ये जो वॉलपेपर स्टाइल है उसे टैप करके इसे कस्टमाइज वॉलपेपर पे सेलेक्ट करना है, फिर जो वॉलपेपर चैनल 1 है उस पे टैप करके जेपीजी वॉलपेपर को सेलेक्ट करना है, फिर ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड वॉलपेपर है इसे भी इनेबल कर देनी है, उसके बाद वॉलपेपर चैनल 2 पे टैप करना है और वही सेम वॉलपेपर की पीएनजी फाइल को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपनी वॉलपेपर्स सेलेक्ट हो चुकी हैं, साथ में नीचे में और भी कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलेंगे, जिन्हें आप खुद ही ट्राई कर लेना। अब जैसे ही अपने लॉक स्क्रीन के तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी हाइपरओएस 2.0 लॉक स्क्रीन लेआउट अप्लाई हो चुकी है। वैसे इस क्लॉक के कलर को आप चेंज भी कर पाएंगे, वहीं यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, जिन्हें हम किसी और वीडियो में ट्राई करेंगे। बाकी आपको वॉलपेपर्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फिर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।